पोकलेन में आग लगने से ऑपरेटर महेंद्र यादव की जलने से हुई मौत। सीसीएल ढोरी एरिया के सीडीओ सीएम परियोजना के कल्याणी में अकाउंट सोर्सिंग बीएलए कंपनी के पोकलेन में आग लग गई। फायर जोन में कार्य के दौरान पोकलेन में आग लगने से ऑपरेटर महेंद्र यादव की जलने से मौत हो गई। पोकलेन में आग इतनी भयानक लगी थी कि महेंद्र को बचाने के लिए रेस्क्यू भी नहीं हो पाया, जिस कारण पोकलेन में ही जिंदा जलकर महेंद्र की मौत हो गई। घटना के बाद टैंकर से पोकलेन में लगे आग को बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं मौके पर सीसीएल अधिकारी और काफी संख्या में मजदूर मौजूद हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है। एक मजदूर असंगठित मजदूर का मौत हुई है और इस घटना पर हम लोगों ने बहुत शोक है। मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सेफ्टी के बारे में मैनेजमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा और ये बहुत दुखदायी है। अभी आप देखे होंगे कि अम्बलों में जो भी माइनिंग ओवरमैन है वो बैठ के चालान काट रहे हैं चेक पोस्ट में, जबकि उनका ड्यूटी ऑन द माइंस होना चाहिए। कोई कोयला डिपो में कोयला गिरा रहा, तो ऐसा है कि इस पर मैनेजमेंट पूरा ध्यान दे। माइनिंग सदार ओवरमैन और मैनेजर ये लोग माइंस में सुरक्षित रूप से काम कराएं कि आज यह संगठित में हुआ कल हमारे कंपनी में होगा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हम लोग चाहेंगे कि किस पीड़ित परिवार को इस दुख के समय में उचित मुआवजा मिले और इसके लिए हम लोग सरासर अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आउटसोर्सिंग वाले आउटसोर्सिंग इससे सरासर लफड़ा आउटसोर्सिंग कंपनी की है। ये जो बीएलए कंपनी है ये गुंडागर्जी करके यहाँ जबरदस्ती 18 12 घंटा 14 घंटा वर्कर से काम करवाता है, जबकि नियम तो 8 घंटा उसको ड्यूटी करना है। तो इस पर विचार करना होगा, यहाँ के लोकल मैनेजमेंट को विचार करना होगा। अगर नहीं तो ऐसी ऐसी घटना होती रहेगी। यहाँ देखिए चारों तरफ आग लगा हुआ है और यहाँ ना आग का उपकरण है ना फायर की गाड़ी है, तो इस पर मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा। ये नहीं कि आउटसोर्सिंग आ गया तो आउटसोर्सिंग माने बहुत बड़ा चीज़ हो गया। आउटसोर्सिंग में गलत ढंग से काम कराया जा रहा है, ना किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है बहुत ड्राइवरों का, ना इनको CMPF दिया जाता है, ना हमको तो लग रहा है कि इसका जाँच करवाया जाए तो इसका PF भी कटता होगा कि नहीं कटता होगा इसका भगवान मालिक है। मामला ये कि कटिंग हो रहा था और पहले से आग लगा हुआ था, सावधानीपूर्वक इसको पहले ऊपर से हाईवाल से कटिंग करना चाहिए था, लेकिन नीचे से कटिंग करा तो उसके वजह से धस गया और पहले से जो आग लगा हुआ था उसके वजह से दुर्घटना हुआ और दुर्घटना होने से बहुत ज़्यादा ये हो गया लापरवाही। इसमें कहीं ना कहीं दोनों का ही है। आउटसोर्सिंग जो कंपनी लिया है सबसे पहले उसको सावधानीपूर्वक करना चाहिए था काम को, दुर्घटना नहीं होता। सीसीएल प्रबंधन तो दे दिया आउटसोर्सिंग करना, उसको सावधानीपूर्वक अपना करना चाहिए। सीख नहीं बनता माइंड में क्या हो रहा नहीं, दोनों को जिम्मा बनता है। ऐसा नहीं कि दे दिया तो मैंने। बेरमो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।